आज हम आपको पेंसिल शेड वर्क में अनानास बनाने जा रहे हैं। हम ब्लैक बोर्ड में बनाएंगे, आप अपनी ड्राइंग शीट में हमारे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इस चित्र की भी नाप रहेगी 15 सेंटीमीटर। इसकी नाप के लिए देखिए हम पहले से ही निशान बना लेते हैं। पूरा चित्र हमारा 15 सेंटीमीटर का बनके तैयार होगा। देखिए किस तरह हम निकाल रहे हैं, नीचे से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा की लाइनें जितनी भी हमारी जाएंगी उनको हम इरेज कर लेंगे। ऊपर की लाइन सारी स्ट्रक हम इरेज कर रहे हैं और हमारा चित्र परफेक्टली नाप से ही 15 सेंटीमीटर बनके तैयार होगा। कुछ पत्ती मुड़ी हुई, कुछ इसमें गिरी हुई हम बना रहे हैं। शेप में लगा ला रहे हैं, जिस तरह हम इसकी आकृति निकाल रहे हैं इसी तरह हम भी चित्र को बनाइएगा। देखिए अंदर की सारी लाइंस हमने इरेज कर दी। अनानास बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है और पेपर में पेंसिल शेड वर्क में ही पूछा जाता है, आपको इस चित्र को पेंसिल शेड वर्क में ही बनाना होगा। ये देखिए हमने इस तरह लाइंस इसकी कर दी है। अब इसमें बीच में अनानास में आपने देखा होगा इस तरह की लाइंस बनी रहती है, वो हम दे रहे हैं। देखिए जिस तरह हम बना रहे हैं पूरा चित्र आप भी इसी ही तरह बनाएंगे, तभी आपका परफेक्ट चित्र तैयार होगा। सारे चित्र में ये लाइंस हमारी जाएगी। सामने ये फल बहुत आता है और पूछा भी जाता है, पेंसिल शेड वर्क में ही ये चित्र बनाना है। देखिए जिस तरह हम लाइन को डिवाइड करना है इस तरह, इसी तरह हम भी करेंगे अपनी ड्राइंग शीट में। इसके सारे बॉक्सेस हमारे बन गए हैं। नीचे से ये जो पत्तियां हमने दी हैं इनको हम डार्क कर लेंगे शेडिंग वर्क करते हुए। देखिए चित्र 15 सेंटीमीटर का ही हमारा बनके तैयार होगा। ये शेड वर्क हमारा नीचे का मिक्स करते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारी पत्तियाँ, इसी तरह हमारी पत्तियाँ
हमने लाइन खींची थी नाप के लिए, वो लाइन को हमने इरेज कर लिया है। ये हमारी पत्तियों में भी पूरा शेड वर्क रहेगा। कुछ पत्तियाँ मैं देखिए मुड़ी हुई बताई है, इसमें मुड़ी हुई पत्तियों को क्लियर कर रहे हैं हम। ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको हमारा ये चित्र समझ में आएगा कि हमने चित्र किस तरह बनाया है। देखते जाइएगा पत्तियाँ अभी हम क्लियर कर रहे हैं। जो भी लाइन से स्ट्रा की रहेंगी उन्हें हम इरेज कर लेंगे, ये डार्क कर लेंगे लाइन सारी। सारी पत्तियों की लाइन जो हमने शेडिंग वर्क किया था उसमें लाइन सारी इरेज हो गई है। अब हमने लाइन्स को डार्क कर लिया है। बनाकर इस तरह इसको फिट करना है इसमें। आपको करना है टेंडी की पेंसिल से डार्क में, जब पूरा शेड वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हमने इस तरह ब्लॉक्स को भर रहे हैं। हम ये देखिए पूरे बॉक्स में हमें न्यू स्पॉट्स बनाने हैं, टेंडी की पेंसिल से डार्क स्पॉट्स देने हैं। अनानास के फल में आपने देखा होगा इसी तरह के स्पॉट्स रहते हैं जो हम अपने चित्र में बना रहे हैं। यहाँ भी शेडिंग वर्क किया हमने, इसमें भी स्पॉट्स दिए हैं। पूरे चित्र में स्पॉट्स रहेंगे। इसकी पत्तियों में हम लाइंस दे रहे हैं। टेंडी के पेंसिल से आप ये लाइंस देंगे, हल्की हल्की से इसमें लाइंस रहती है, डार्क ज़्यादा नहीं देंगे। हल्की हल्की पेंसिल से लाइंस यूँ इस तरह हम दे देंगे। पूरे में लाइंस ऐसे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा ताकि आपका चित्र भी सही बने। जो नीचे की पत्तियां थी उनको हम डार्क थोड़ा सा कर देंगे।
सही पर पूरा चित्र रखा हुआ दिखाएंगे। ये आपका पूरा चित्र अनानास का बनके तैयार हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसकी नाप लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। ये पूरा चित्र आपका परफेक्ट नाप से बनके तैयार हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे स्मृति चित्रण। स्मृति चित्र में आज हमने बनाया है अनानास। पेंसिल शेड वर्क में आपका ये चित्र परफेक्टली बनकर तैयार हो गया है। आपको हमारा ये चित्र कैसा लगा है, हमारा वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।